फिरोजाबाद के द्वारा 75वें अमृत महोत्सव के चलते सुभाष तिराहे से लेकर घंटाघर तक तिरंगा दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ साथ नगर आयुक्त घनश्याम मीणा, महापौर नूतन राठौर और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तिरंगा दौड़ में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को महापौर और नगर आयुक्त द्वारा पुरस्कार वितरण भी किए गए। देखिए, जैसा कि अभी हमने देख लिया है, जो आगाज हुआ है आज़ादी के 75वें महोत्सव को हम मना रहे हैं, और आज नगर निगम के द्वारा हमने स्कूल के बच्चियां, जैसे दाऊदयाल स्कूल के बच्चे हैं, एनसीसी कैडेट्स के बच्चे हैं, हमारे नगर निगम के सभी सुपरवाइज़र हैं, सफाई कर्मचारी हैं, डोर टू डोर की हमारी पूरी टीम है, यहाँ पर नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी गण हैं, सभी के साथ एक मैराथन दौड़ का आयोजन आज सुभाष तिराहे से किया गया है। और इसका समापन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम घंटा घर पर खड़े हैं, और साथ ही इस मैराथन दौड़ में जो बच्चे हमारा राष्ट्रीय ध्वज लेकर मैराथन दौड़ लगाई है और जो अव्वल आए हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उनको हमने यहाँ पर पुरस्कृत भी किया है, उनका मनोबल भी बढ़ाया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय पूरा शहर, क्या पूरा देश तिरंगामय हो गया है, चाहे हम कहीं भी नज़र उठाकर देखें, हर जगह हमें तिरंगा नज़र आता है। अभी शहर में हमने काफ़ी काम किए हैं, जैसे कि बिजली के जो पोल्स हैं उनको तिरंगामय करने का काम किया है, पेड़ पौधे हैं उनको भी तिरंगामय कर रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम लगातार 17 अगस्त तक चलते रहेंगे, और मैं यहाँ पर आए हुए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज इस मैराथन दौड़ को उन्होंने सक्सेस बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर यह कार्यक्रम किया। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी की जो मुहिम छेड़ी थी, जो हमारा तिरंगा, जो हर घर तिरंगा का जो अभियान है, उसी क्रम में आज 11 तारीख को हम लोग ने नगर निगम के माध्यम से तिरंगा रन का आयोजन कराया, जिसमें 200 से ज़्यादा बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि इस पूरे कार्यक्रम को हमने बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कराया है, और आज लोगों में बहुत उत्साह है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि सब लोगों के हाथ में तिरंगा है और पूरा जो क्षेत्र है हमारा, जो मार्केट का एरिया, पूरा तिरंगा में हो गया है।